ऑल राइट तो अब तक आप लोगों ने देखा कि मैं होटल से निकल के सनराइज से बहुत पहले ही वनजंगी हिल टॉप पे पहुंच जाता हूँ, लेकिन वहां तक पहुंचने में हमें काफी ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। जैसे हमें रास्ता नहीं समझ में आ रहा था कि कौन सा रास्ता फॉलो करें, एक तो अंधेरा था, गूगल मैप्स भी काम नहीं कर रहा था। तो अगर आप लोग कभी फ्यूचर में जाते हो तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ भी सेम प्रॉब्लम हो, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि इस वीडियो में मैं अच्छे से पूरा हर चीज आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे जाना है, कहाँ तक जाना है एंड कौन सा रूट आप फॉलो कर सकते हो। तो वो रूट मैं आपको अच्छे से मैप पे ड्रॉ करके बताऊंगा कि कैसे कैसे आप लोगों को जा सकते हो, सो डेट आपको परेशानी बिल्कुल भी ना हो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। तो ऊपर तो हम लोग पहुंच गए थे, लेकिन मैं ऊपर जाते वो जो हमारा सफर था नीचे से ऊपर जाने का, उसको हिंदी वाला सफर भी मान सकते हैं और इंग्लिश वाला सफर भी मान सकते हैं, लेकिन दोनों ही था। तो वहां तक मैं अच्छे से रिकॉर्ड कर नहीं पाया क्योंकि एक तो बहुत अंधेरा था, कुछ दिखता नहीं, और दूसरी चीज ये थी कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था वो चढ़ना। तो कैमरा ऑन करके चढ़ना बहुत मुश्किल था, ऊपर से हमारे हाथ में वुडन लॉक्स भी थे, तो इसलिए मैं कैमरा वैमरा रख दिया था और अपनी जान बचाकर ऊपर चढ़ रहा था। तो यहाँ पे ऐसा है कि सिर्फ ऊपर चढ़ना ही डिफिकल्ट नहीं था, और भी एक चीज जो हमें ज्यादा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगी थी, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, सो डेट अगर आप कभी जा रहे हो तो आपके साथ वो प्रॉब्लम ना हो, जो कि थी रास्ते की। तो हमें रास्ता नहीं ठीक से पता चल रहा था कि कहाँ से जाना है, कैसे जाना है हिल टॉप तक। एक्चुअली क्या है कि ये जगह अभी कुछ महीनों पहले ही डिस्कवर की गई है, तो ठीक से मैप्स पे रास्ता अवेलेबल नहीं है, मतलब सारे हिल टॉप को मार्क कर दिया गया है, आसपास के वनजंगी हिल पॉइंट, वनजंगी सनराइज पॉइंट, वनजंगी क्लाउड अट्रैक्शन पॉइंट, बट उस लोकेशन पे जाना कैसे है वो है ही नहीं। कि हम लोग भी तीन अलग अलग लोगों से रास्ता पूछे और वो तीन अलग अलग लोगों ने हमें अलग अलग रास्ता बताया और वो तीन अलग अलग रास्ते गलत थे, तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ। एक मोमेंट पे तो हमें ऐसा लग रहा था कि सनराइज हो जाएगा और हम ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि हमें रास्ता पता ही नहीं चल रहा था। लास्ट में हमें एक ग्रुप दिखा जो कि जाता हुआ उस रास्ते, तो हम लोगों ने वो रास्ता फॉलो किया। वो मैं आपको मैप पे अच्छे से अभी समझाऊंगा यहाँ पे कैसे कैसे जाना है, अगर आप जा रहे हो तो इसको ही फॉलो करना, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आप आराम से ऊपर पहुंच जाओगे। एंड अभी रास्ते में कैसे जाना है, कार कहाँ तक जाएगी, बाइक कहाँ तक जाएगी और एसयूवी अगर आपके पास है, एक्चुअली तीनों के लिए अलग अलग है, सेडान है तो वो एक पॉइंट तक जा सकती है, एसयूवी उससे और थोड़ी ऊपर पॉइंट तक जा सकती है, एंड अगर बाइक है तो वो और भी ऊपर जा सकता है, तो वो मैं आपको अच्छे से अभी बता दूंगा। अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हो हमारे जैसा वुडन लॉक्स वगैरह लेकर जाने का, तो प्लान ड्रॉप कर दो क्योंकि बहुत मुश्किल है ऊपर ले जाना, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल आई गेस। क्या होता है कि एक तो रास्ता प्रॉपर है नहीं, वो मैं जैसे आपको बताया कि अभी कुछ दिन पहले ही डिस्कवर किया गया है, तो रास्ता ठीक से है नहीं, और ऐसा है कि एक पहाड़ है, अब उसमें आपको खुद से रास्ता बनाना है कि आप किधर से चढ़ के जा सकते हो, तो वो एक चीज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। उसमें आप वुडन लॉक्स, एक तो भारी रहता है वो, तो उसे लेकर जाना बहुत मुश्किल होता है। तो हमने एक पॉइंट पर बेस कैंप टाइप का उसको बोल सकते हैं, वहां पर हमने वुडन लॉक्स रख दिया था, हमने गिव अप कर दिया था कि और इससे ऊपर हम लेकर नहीं जा सकते क्योंकि उसके ऊपर और भी ज्यादा कठिन था रास्ता। एनीवेज सो अभी मैं आपको मैप्स में बताता हूँ अच्छे से कि कैसे कहाँ पे आप जा सकते हो, क्या कौन सा रूट फॉलो करना बेटर होगा, सो लेट्स गो। ऑलराइट तो अगर आप इस तरफ से आते हो और इधर है आपका अरुकू वैली, ऑलराइट इस तरफ, तो आप यहाँ से सबसे पहले आप जैसी अरुकू वैली या फिर कहीं से भी निकल रहे हो वनजंगी के लिए, तो आप सबसे पहले मैप्स पे डाल दो अरुकू वैली कार पार्किंग पॉइंट। तो आप ऐसे कुछ रास्ते पे आते आते आप यहाँ पे एक जगह पे आओगे जो कि आपका होगा अरुकू वैली कार पार्किंग पॉइंट। सॉरी ये हैंड राइटिंग थोड़ा सा गंदा है मेरा, और ये रास्ता आगे की ओर ऐसे जाता है और इस तरफ से एक और रास्ता ऐसा जाता है। यहाँ पे अरुकू वैली कार पार्किंग पॉइंट पे आप आ चुके हो। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप सेडान में या फिर कोई छोटी गाड़ी में आ रहे हो तो आपको यहाँ पे ही पार्क करना पड़ेगा। यहाँ पे रोड साइड ऐसे साइड में लोग बाग पार्क किए रहते हैं तो आप वहाँ पे पार्क कर सकते, लेकिन अगर आपके पास सेडान है या फिर बाइक में आप, तो आप यहां से ऊपर जा सकते हो ऐसे। ये रास्ता थोड़ा ऊबड़ खाबड़ सा है तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आप लोगों की आप लोग सेडान वगैरह लेके जाओ, नहीं तो वो नीचे लग जाएगा। तो अगर आप एसयूवी में या फिर बाइक में हो तो ही इस रास्ते को अपनाओ और ऊपर तक जाना। तो इस रास्ते से जब आप ऊपर ऊपर ऐसे से जाओगे तो फिर से आपको दिखेगा कि तो यहाँ पे लोग बाग साइड में पार्क किए होंगे अपनी गाड़ियों को, तो आप यहाँ पे ही कहीं पे पार्क कर सकते हो। अब इसके भी ऊपर जो है उसके ऊपर बाइक सिर्फ जा सकती है, तो यहाँ पे आप अगर एसयूवी में भी हो तो आपको यहाँ पे पार्क कर देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से आपको चल के जाना होगा, चल के जाओगे 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 ऐसे ऐसे थोड़ा आगे और दूर तक जाओगे, ऊपर चढ़ना होगा आपको, तो यहाँ पे आपको एक प्लेट्यू सा मिलेगा जहाँ पे आप देखोगे लोग बाग टेंट लगा के बैठे होंगे, बॉनफायर वगैरह चल रहा होगा उनका बढ़िया एकदम मस्त, और यहाँ पे ही बाइक की पार्किंग की भी जगह है, तो आप यहाँ पे
बाइक्स पार्क कर सकते हो। अगर यहाँ पे कोई नहीं भी होगा टेंट वेंट लगा के आपको, लेकिन पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे लोग बाग रहते हैं, यहाँ पे टेंट वेंट मतलब बैम्बू वगैरह होगा बहुत सारा, वहाँ पे लगेगा कि यहाँ पे लोग रहते हैं वैसा कुछ। तो हमने यहाँ पे ही एक इंसान से पूछा था कि भाई व्यू पॉइंट का रास्ता किधर से, उसने हमें कहा यहाँ से भैया सीधे चले जाओ। हमने देखा कि एक ग्रुप इधर से आ रहा था, तो हमने डिसाइड किया कि भाई हम उनको देखते कि वो जिस तरफ जा रहे होंगे वहीं पे जाएंगे। यहाँ पे एक्चुअली हम लोग बहुत टाइम अपना वेस्ट कर चुके थे रास्ता ढूंढने के चक्कर में, गूगल मैप्स नेट भी नहीं आ रहा था ढंग से, तो इसलिए तो हम लोगों ने यहाँ से फिर देखा कि लोग बाग आ रहे हैं, तो हम लोग सोचे उनको फॉलो करेंगे। अब वो लोग क्या किए, यहाँ से आए और इस तरफ एक रास्ता था वो फॉलो किया उन्होंने। एंड इस तरफ जो रास्ता है वो अजीब सा है, मतलब यहाँ पे आपको लगेगा नहीं कि रास्ता है, ये पूरा अंधेरा जंगल सा लगेगा और ये रास्ता भी ऐसे नीचे की ओर जाता है एकदम। तो हमें लग रहा था कि ये नीचे की जा रहा है, नीचे भी अगर नीचे जा रहा है हमें तो ऊपर जाना है, तो होगा नहीं। लेकिन कैसा है, ये रास्ता नीचे ऐसे जाता है उसके बाद फिर ऊपर चढ़ता है, और यहाँ पे जो है आपका रास्ता होगा उबड़ खाबड़ एकदम, आपको चढ़ चढ़ के जाना होगा। चढ़ चढ़ के आप जब जाओगे तो फिर से एक प्लेट्यू के पास पहुंचोगे जिसको हम लोग बोल सकते हैं बेस कैंप है वो। यहाँ पे फिर से आप देखोगे लोग टेंट वेंट लगा के बैठे हैं। एक चीज़ है कि अगर आप इतने में थक चुके हो ऊपर और जाना नहीं चाहते हो तो आप यहाँ पे बैठ सकते हो, यहाँ से भी आप व्यू पॉइंट देख सकते हो एकदम मस्त। या फिर यहाँ से थोड़ा ऊपर जाओगे तो एक और हिल टाइप का है तो आप यहाँ पे भी जा सकते हो, यहाँ पे भी जाना ज़्यादा कठिन नहीं है, आप जा सकते हो, यहाँ से भी आप व्यू देख सकते हो, अच्छा दिखेगा आपको। लेकिन अब आता है सबसे ज़्यादा कठिनाई वाला टाइम जो कि है यहाँ से, यहाँ से जब आप ऊपर उठोगे तो यहाँ पे एक बड़ा सा हिल है और ये बहुत ही डेंजरस है एकदम खतरनाक। अब इसके ऊपर जाना है, एक मोमेंट पे हम यहाँ पे जब आए थे तो हम लोग सोचे थे भाई इसके ऊपर हम नहीं जा सकते और हमसे अब नहीं होगा, यहाँ से ही व्यू देख लेते हैं। हमारे ग्रुप में सब ने कहा कि यहीं पे देख लेते हैं, आगे ऊपर नहीं जाते। लेकिन फिर मैं सोचा यार कि अगर इतनी दूर आए हैं और हम लोग ऊपर तक नहीं जाते हैं तो लाइफ टाइम रिग्रेट रहेगा कि यार इतने टाइम आए और बस ये थोड़ा सा डिस्टेंस हमने कवर नहीं किया, भले ये थोड़ा सा डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो स्टिल। तो मैंने सोचा थोड़ा रिस्क लेते हैं लाइफ में और बढ़ते हैं आगे आराम से एकदम। तो मैं वही किया, मैं बोला कि ऐसा करो तुम लोग यहाँ पे रुको मैं जाता हूँ ऊपर। फिर जैसे ही मैंने बोला तो सबके सब राजी हो गए कि अरे यार अकेला क्या जाएगा, हम लोग भी चलते हैं चल। तो फिर सब आए हमारे मेरे साथ, तो हम लोग ये कठिनाई वाले रास्ते पे चढ़ गए। और एक चीज़, यहाँ पे ही हम लोगों ने लॉक्स अपना रख दिया था, वुडन लॉक्स हम लेके गए थे क्योंकि इस रास्ते पे वुडन लॉक्स लेके जाना नामुमकिन सा है। लेकिन वही चीज़ है, एक बार जब आप इस जगह पे पहुँच जाते हो ना तो जो व्यू और जो आनंद मिलता है आपको वो मैं बता नहीं सकता, वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही मज़ेदार। तो वो वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस था और वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग व्यू आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। कैमरे में उतने अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाया होगा, लेकिन अगर आप एक्चुअल अपनी आंखों के सामने वैसा दृश्य देखोगे ना तो आप माइंड ब्लोन, बहुत खूबसूरत था। और एक तो बहुत बात कर लिया मैं, अब आप लोग थोड़ा सा बी रोल देखो।